सेना भर्ती अधिकारी मंडी द्वारा 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर 2018 तक पडल मैदान में आयोजित की जा रही भर्ती रैली के सफल आयोजन के लिए उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय के सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सेवावर्ती निदेशक कर्नल सोमराज गुलेरिया भी विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने बताया कि मंडी कुल्लू तथा लाहौल स्पीति जिला के लगभग 14,500 उम्मीदवार भर्ती के लिए पडल मैदान में आएंगे। उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त भर्ती के दौरान कोई असुविधा न हो इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि रैली के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिसके लिए नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को अस्थायी शौचालय स्थापित करने के अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि भर्ती रैली के दौरान ड्यूटी पर तैनात सेना के स्टाफ के ठहरने व अन्य व्यवस्थाएं देखने के लिए उपमंडलाधिकारी सदर मंडी मदन कुमार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को कुल्लू जिला के पंजीकरण सभी 1946 उम्मीदवारों तथा मंडी जिला के बल क्षेत्र के 1035 उम्मीदवारों की भर्ती 3 अक्टूबर को मंडी जिला के ओट बाली चौक चियोट करसोग निहरी सुंदरनगर तथा थुनाग तहसील क्षेत्र के 3,750 उम्मीदवारों के लिए 4 अक्टूबर को लाहौल स्पीति जिला के सभी 66 उम्मीदवारों तथा जिला मंडी के बुलद्वाड़ा भद्रोत्ता धर्मपुर कोटली लड़भरोल तथा मंडी सदर के समस्त पंजीकरण 3,816 उम्मीदवारों के लिए तथा 5 अक्टूबर को मंडी जिला के जोगिंदरनगर पधर संधोल तथा सरकाघाट के उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। 2 अक्टूबर से लेके 5 अक्टूबर तक मंडी के पड्डल ग्राउंड में आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली होने जा रही है, जिसमें कि 14,500 के करीब बच्चे जो है हिस्सा लेंगे। इस रैली में जिला मंडी के सभी तहसीलों से बच्चे आएंगे, साथ ही बगल वाला जिला कुल्लू एवं लाहौल स्पीति से भी बच्चे आएंगे। इस बारे में आज जो है एक कोऑर्डिनेशन बैठक आयोजित की गई थी और जिसमें सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे ताकि जो हमारी तैयारी है वो पुख्ता रहे और हम जो बेसिक सुविधाएं हैं वो सभी लोगों को जो आने वाले हैं, क्योंकि हर दिन लगभग 4,000 लोग यहां पर आएंगे, तो उनके लिए जो बेसिक टॉयलेट फैसिलिटीज़, साफ सफाई के बारे में, और क्योंकि रैली जो है रात के समय होगी तो लाइटिंग वगैरह के लिए, इस बारे में सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और मुझे आशा है कि ये पूरी रैली जो है सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगी। बैठक में सेना भर्ती निदेशक कर्नल सोमराज गुलेरिया ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रतिदिन की गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा, अतिरिक्त जिला दंड अधिकारी राजीव कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुनीत रघु, सहायक आयुक्त राज ठाकुर, मंडला अधिकारी सदर एवं कार्यकारिणी अधिकारी नगर परिषद मदन कुमार आदि मौजूद रहे। सेना की जो भर्ती है मंडी, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिलों की 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में पड्डल ग्राउंड मंडी में होगी। इसके लिए जो है सारी तैयारी कर ली गई है। जो आज जो यहाँ पर जो है डीसी साहब ने जो कॉन्फ्रेंस चेयर करी है, इसके अंदर तो जितना भी जो सिविल से एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है उसके बारे में चर्चा हुई है, और जो ये इनका जो है रिटर्न एग्जामिनेशन जो सक्सेसफुल जो पास हो जाएंगे उनका एग्जामिनेशन 25 नवंबर को जो है पंडो के ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। और ये जो है मेरे वो सभी से अपील है कि जो सिस्टम है जो है बिल्कुल फ्री है और फेयर है, किसी जो है किसी दलाल के झांसे में ना है। और लास्ट में जो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो है इसके दौरान जो है रैंडम जो है ड्रग टेस्ट किया जाएगा, सो जो है जो कैंडिडेट हैं जो उनसे अपील करता हूँ कि जो है ऐसे दवा का सेवन ना करें ताकि जो है बाद में उनको प्रॉब्लम आए।